हरियाणा सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने के मामले में आज अंबाला विजिलेंस ने अंबाला नगर निगम के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये मामला 2018 का है, तब अंबाला में अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबरों में गड़बड़ी कर NDC जारी की गई थी और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले की जाँच 2018 से चल रही थी, लेकिन अब विजिलेंस ने जाँच पूरी कर 3 गिरफ्तारियां की। पकड़े गए तीनों कर्मचारी अंबाला कैंट नगर परिषद में तैनात थे और भ्रष्टाचार फैला रहे थे। आज तीनों को अंबाला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल विजिलेंस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं और मामले की जांच जारी है। सर, ये 2018 के अंदर अंबाला कैंट के जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी, अनअप्रूव्ड खसरे थे, उनकी NDC काटते थे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से पैसे लेके, और उसके आगे जाके फिर तहसील में भी रजिस्ट्रियाँ बनती थी। इसलिए जो सरकार को काफ़ी करोड़ों रुपए का इनको चूना लगाया, उस संबंध में ये मुकदमा दर्ज था। पहले जांच चली थी 4-5 साल तक, उस जांच में ये दोषी पाए गए थे। उसके बाद फिर सरकार से चीफ सेक्रेटरी से आदेश मिला था, भाई ये इनके साथ FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार करो। तो ये पिछले 2 साल से कोरोना वगैरह होने की वजह से थोड़ा पेंडिंग था मामला, इसलिए अब इनको गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग भी हैं जिनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, और अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? अभी तक 4 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। तो अभी ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, ये किस किस पोस्ट पर थे और कहाँ तैनात? ये सारे नगर निगम में ही पोस्टेड थे और अपनी ब्रांचों में, जैसे टैक्स ब्रांच होगी और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होगी, उनमें उन्हीं ब्रांचों में काम करते हैं समय। ये टोटल नहीं है, सरकार का जो नुकसान होता है, रजिस्ट्री राजस्व जो नुकसान होता है, वही हुआ है। तो अभी कोर्ट में पेश किया गया, तो क्या कुछ कोर्ट में पेश करके इनको जुडिशियल भेज दिया गया और आगे तब 30 जारी है, आगे और लोग भी आएंगे इसमें और भी गिरफ्तार। जी।